मुक्तिदाता बाल यीशु के नाम पर आप सब लोग जय यीशु की। आगमन काल के बीते कई दिनों में हम प्रभु मसीह के आगमन के ऊपर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज मादा कलीसिया हमारे सामने तीन पाठ प्रस्तुत करती है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ का संदर्भ यही है कि इब्राहिम के सेवक अपने मालिक के पुत्र के लिए एक पत्नी को ढूंढते हुए ईश्वर की प्रेरणा से बतूएल के घर पहुंचते हैं, और जब इब्राहिम के सेवक बतूएल के पुत्री रेबेका को अपने मालिक के पुत्र के पुत्र के लिए पत्नी के रूप में ले जाते हैं, तब लाभान जो रेबेका का भाई है उसे आशीष देते हुए कहते हैं, बहन तुम हजारों क्या लाखों की माता बनोगी और तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के ऊपर राज्य करेंगे। मेरे भाई और बहनों, इसराइली जनता के इतिहास में हम पाते हैं लाभान का उस आशीर्वचन सार्थक होते हुए। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों से कहते हैं, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान के समान आचरण करो। जहां प्रकाश है वहां भलाई धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। संत पौलुस इस वचन के जरिए हमसे यही कहना चाहते हैं कि जो ईसा मसीह के शिष्य है, जो ईसा का अनुसरण करते हैं, उन्हें ज्योति की संतान के समान यानी ज्योति बनकर इस दुनिया में जीना है। और आज का तीसरा पाठ संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर हम प्रभु ईसा मसीह के जन्म के बारे में पाते हैं। संत मत्ती प्रभु ईसा मसीह के जन्म के शुरू करते हैं। यानी भाई और बहनों, प्रभु मसीह के जन्म के इस मुक्ति इतिहास में माता मरियम और संत यूसुफ का इस महत्वपूर्ण भूमिका हम इस पाठ में पाते हैं। यदि प्रभु मसीह का मान मानवों के प्रति प्रेम का परकोटे हम उस कलवारी पहाड़ पर पाते हैं, तो पिता परमेश्वर का मानवों के प्रति प्रेम का परकोटे हम उस बुले हुए गौशाले में पाते हैं। और ईश्वर अपने मुक्ति विधान के इस महान कार्य में, उस महान इतिहास में हम पाते हैं अनेक मानवों को जीते हैं। साधारण सा साधारण व्यक्तियों को ईश्वर चुनते हैं और उनके जरिए असाधारण महान और अद्भुत कार्य करते हैं। मसीह के जन्म के उसी इतिहास में हम माता मरियम और संत यूसुफ के भूमिका को हम भली-भांति जानते हैं। जब हम इस साल के क्रिसमस को मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, तो हम इन गिने चुने लोगों के जीवन के ऊपर मनन चिंतन करने की जरूरत है। मुक्ति इतिहास में हम पाते हैं ईश्वर समय समय पर अपने लोगों को चुनते हैं और उन्हें एक काम सौंपते हैं। हम हर एक व्यक्ति यदि अपने आप को ईसा मसीह के नाम पर मानते हैं या जाने जाते हैं, तो प्रभु यीशु हम हर एक के जीवन से, हमारे व्यक्तिगत जीवन से अपने एक विधान का यानी अपनी कुछ योजना की पूर्ति करना चाहते हैं। चाहे हमारा जीवन कुछ भी हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, चाहे हमारे जिंदगी में दुख हो सुख हो, हमारे जीवन परेशानियों से भरा हुआ हो, प्रभु यीशु को या पिता परमेश्वर को हमारे जीवन से कुछ इस दुनिया में पूर्ति करने की इच्छा है। यदि हमारे जीवन उस माता मरियम और संत यूसुफ के समान सार्थक बनना है, ईश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, तो हमें अपने जीवन के इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को, इन बीमारियों को, इन
मुश्किल हालात को ईश्वर के सामने रखने की जरूरत है। जब हम ईश्वर के सामने अपने जीवन को, अपने परेशानियों को, अपने जीवन के परिस्थितियों को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो निसंदेह ईश्वर हमारे जीवन से कुछ महान कार्य करेंगे। ये क्रिसमस हमें यही याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। ईश्वर हमें हर एक को व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। संत अगस्तीन जीवन के बारे में एक बात कहते हैं, और वे कहते हैं, जब हमारा मृत्यु हमसे मिलने आता है तो हमें एक जेता के रूप में, एक विजय के रूप में पाना है, नहीं तो हमें एक धीर लड़ने वाले एक योद्धा के समय हमें पाना है। कभी भी हमारे जीवन को स्मरण, हमारा अंतिम दिन कभी हमें एक हरे हुए इंसान के रूप में नहीं पाना है। जीने जीतने वाला वही हो सकता है संत लोग, लेकिन लड़ाई करने वाले वो हर एक व्यक्ति है जो ईसा के पद पर चलने के लिए कोशिश करते हैं और पल पल पर या पद पद पर ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन वो ठोकर खाकर गिरे नहीं पड़ते हैं, वह उठ खड़े हो जाते हैं, फिर से अपने जीवन को लड़ाई में भाग लेते हैं, उस जीवन की लड़ाई में वह खर उतरते हैं। भाई प्यारे भाई हो गए, इस पुण्य समय में हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें, हमारे जीवन की परिस्थितियों को समर्पित करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन को ले और अपनी इच्छा के अनुसार उसे इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जीवन में उन महान लोगों के समान सार्थक बने। ईश्वर असाधारण लोगों से असाधारण काम करते हैं। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इस साल का क्रिसमस हम हर एक के लिए आशीष भरे, हमारे जीवन में प्रभु यीशु आशीष और बरकतों से भरे। आप सबको इस क्रिसमस की सभी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आप सबों को आशीष।